Find the roots of the following quadratic equation by factorization method. Given quadratic equation है 100x square minus 20x plus 1 which is equals to 0. तो यहाँ पर हम comparison करें general form of quadratic equation के साथ, तो a is equals to 100, b equals to minus 20 and c equals to 1. तो जो sum आना चाहिए दो numbers का वो क्या आना चाहिए, coefficient of x that is minus k 20. तो जो दो नंबर्स हम चूज करेंगे उनका सम आएगा माइनस 20 और जो प्रोडक्ट आएगी वो क्या आएगी, प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 100. तो ऐसे दो नंबर चूज कर रहे हैं जिनका सम 20 हो माइनस के और प्रोडक्ट 100 हो. तो ऐसे दो नंबर क्या होंगे, माइनस 10 और माइनस 10. तो इनका आप प्रोडक्ट करोगे तो प्लस के 100 आएगा और इनको सम करोगे तो माइनस 20 आएगा. क्वेश्चन को सोल्व करें, विच इम्प्लाइज 100x स्क्वायर माइनस 20x को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, माइनस 10x और माइनस के 10x प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू 0, विच इम्प्लाइज 100x स्क्वायर माइनस 10x, इन दोनों में से 10 कॉमन आएगा, साथ में यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ पर x है तो x कॉमन आएगा, यहाँ पर बचेगा 10 इंटू एक्स माइनस 10x पूरा बाहर जा चुका है इसका मतलब अंदर 1, माइनस हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर 10x और प्लस की जगह पे यहाँ पर क्योंकि माइनस कॉमन ले चुके हैं तो माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 0. अब हमारे पास दो टर्म्स हैं, एक तो पूरी ये और एक ये, इनमें देखें तो 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1 दोनों में कॉमन है तो हमने कॉमन लिया विच इम्प्लाइज 10x माइनस 1 कॉमन लिया. अब यहाँ से कॉमन लेने के बाद में 10x माइनस 1 कितना बचेगा, 10x, यहाँ पर साइन माइनस का, और यहाँ से 10x माइनस 1 कॉमन लेने के बाद में बचेगा 1 विच इज इक्वल्स टू 0. तो विच इम्प्लाइज 10x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पर हम देखें तो 10x माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 0, तो दैट इज 10x विच इज इक्वल्स टू माइनस 1 को राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो माइनस 1 की जगह पे साइन चेंज हो गया प्लस के 1 विच इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू, यहाँ पर 10 मल्टीप्लीकेशन में है x के साथ, जब राइट साइड में जाएगा तो डिवीजन में होगा तो 1 अपॉन 10. ऐसे यहाँ पर देखें दैट इज सेम पार्ट है, x इज इक्वल्स टू 1 बाई 10, देयर फोर x इक्वल्स टू 1 बाई 10 एंड x इक्वल्स टू 1 बाई 10 आर द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन.